For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. संजय लीला भंसाली की फिल्म इंशाल्लाह बॉलीवुड का इतिहास बदलने वाली थी। आखिर इस फिल्म के साथ पहली बार सलमान खान और आलिया भट्ट जो एक साथ आने वाले थे, मगर अफसोस ये फिल्म फ्लोर पर जाने से पहले ही शेल्फ हो गई और सलमान खान अब अपने बाकी प्रोजेक्ट्स में बिजी हो गए हैं। वहीं संजय लीला भंसाली ने आलिया भट्ट से प्रॉमिस किया था कि वो उनके लिए एक खास स्क्रिप्ट पर काम करेंगे जिसका सब्जेक्ट होगा गंगूबाई नाम की बायोपिक। इस बायोपिक के लिए संजय लीला भंसाली बी टाउन के हीरो रणवीर सिंह को रोप इन करना चाहते थे। इस मूव के पीछे कई कारण थे। सबसे पहले तो रणवीर काफी डायनेमिक एक्टर हैं, जो किसी भी रोल को बखूबी निभाते हैं। दूसरा कारण है उनकी और आलिया की केमिस्ट्री, जो कि फैंस को गली बॉय में बेहद पसंद आई थी, और फिर वो आलिया के साथ एक और फिल्म तख्त भी तो करने वाले हैं। ऐसे में संजय लीला भंसाली को रणवीर से बेहतर कोई नाम नहीं लगा। पर अफसोस, जब संजय लीला भंसाली ने रणवीर को इस रोल के लिए अप्रोच किया तो उन्होंने साफ मना कर दिया। अब इस बात से SLB तो काफी डिसअपॉइंट हुए, मगर उनकी लीडिंग लेडी आलिया भट्ट डिसअपॉइंटेड के साथ साथ रणवीर से नाराज भी हैं। तो क्या अब आलिया की इस नाराजगी का असर उनकी आने वाली फिल्म तख्त पर पड़ेगा? फिलहाल बस इतना ही, मगर गंगूबाई बायोपिक से जुड़ी ऐसी और मजेदार अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और अपने कॉमेंट्स नीचे दिए सेक्शन में शेयर करते रहिए।